मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इसी के साथ एक कलियुग के उदाहरण का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कलियुग में एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने यह आदर्श प्रस्तापित किया कि इंसान धर्म के लिए नहीं बल्कि धर्म इंसानों के लिए बनाए, और वो आदर्श है छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए मैं जय श्री राम जरूर कहता हूं, लेकिन उससे पहले जय शिवराय कहता हूं। कारण छत्रपति शिवाजी महाराज होते ज्यांच्यामुळे अंगणातली तुळस, मंदिरातली देव, गोठ्यातली गाय आणि घरातली माय सुरक्षित राहिली, ज्यांनी राज्याभिषेकाच्या वेळी राजदंड स्वतःच्या हाती ठेवून धर्मसत्ता राजसत्तेच्या वर नाही तर तिच्या खांद्याला खांदा लावून लोकांच्या कल्याणासाठी राबवली गेली पाहिजे, हा आदर्श प्रस्थापित केला उन्हीं छत्रपती शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ हम मना रहे। और संयोगवश माननीय प्रधानमंत्री जी शिव जयंती के अवसर पर मेरे चुनाव क्षेत्र का अभिमान किले शिवनेरी पर आ रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और साथ ही में बड़ी विनम्रता से उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके करकमलों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, लेकिन अरबी समुद्र में होने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का शिव स्मारक, जिसका जल पूजन आप ही के करकमलों से 24 दिसंबर 2016 में हुआ था, वो अभी भी निर्माण की प्रतीक्षा। और उसी शिव स्मारक के साथ मेरे चुनाव क्षेत्र शिवनेरी किले के परिसर में शिव संस्कार स्मारक बनाया जाए, जिससे देश के युवाओं को माता और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च योगदान की प्रेरणा मिलती रहे।